यहाँ पे मैंने लगा लिया है ब्लैक जैक का कार्ड। आज हम करने वाले हैं ब्लैक जैक का गेम प्ले। लेकिन भाई ये देखो, सबसे पहले तो अगर तुम ब्लैक जैक से खेलने जा रहे हो, सुपर पास की कोई भी चीज इक्विप मत करना, वरना तुम्हारा मोए मोए कर दिया जाएगा मीटिंग में, क्योंकि सुपर पास में ब्लैक जैक मिलता है। तो जल्दी से भाई मैंने नॉर्मल से कपड़े पहन लिए हैं, और भी भाई गेम प्ले करने के लिए हमारा गेटअप एकदम रेडी हो चुका है। चलो भाई चलते हैं गेम में। और जहाँ पे भाई ये मेरे को किंग रोल क्यों मिल गया भाई, मैंने तो लगाया था ब्लैक जैक का कार्ड। चलो भाई इस गेम प्ले को लीव करते हैं और अगले गेम प्ले में चलते हैं ब्लैक जैक का कार्ड लगा के। तो फाइनली ब्लैक जैक का रोल मेरे को सेकंड गेम प्ले में ही मिल चुका है। और इस मैच में तो भाई अपने ज्ञान भाई आए हैं और ज्ञान भाई अपने थम्स अप दिखा रहे हैं मेरे को। ले भाई हो गया कांड। और ज्ञान भाई का जो प्रमोशन मैच है, इसका मतलब भाई मेरे को उल्टा गैस लेके मरना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो भाई मेरा हो गया है कल्याण। इसके साथ साथ ही मेरा टीम मेट भी मर गया और अपने ज्ञान भाई को मिल चुका है MVP। तो तेरे को हरा भी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। चलो भाई ज्ञान भाई का तो प्रमोशन हो गया, चलो भाई अब चलते हैं बूम बम गेम प्ले करने। तो यहाँ पे मेरा टीममेट जो है वो बाउंटी हंटर है और मैं हूँ ब्लैक जैक, मतलब कि बहुत ही खतरनाक से रोल आए। और ब्लू को तो मैंने भाई गेम स्टार्ट होते ही मार दिया, मतलब ब्लू को तो हवा भी नहीं लगी होगी। चलो भाई चलते हैं। और मेरा किल बटन ब्लिंक हुआ है, इसका मतलब मेरे टीममेट ने भी एक किल कर दिया है। और ले भाई मीटिंग पर्पल ने बुला दी है और गेम में वेटर भी है, तो सब इसको बेटर गिल घोषित करके पर्पल को वोट करने वाले हैं। ये तो सिंपल सी बात है। और पर्पल भाई बहुत चालाक निकला, पर्पल ने भाई मेरे पार्टनर पे स्वैप मार दिया, क्योंकि सबसे पहले वेटर गिल मेरे पार्टनर ने बोलना शुरू किया था। अगर आप इम्पोस्टर हो और गेम में स्वैपर आया हो और कोई मतलब बंदा बॉडी रिपोर्ट कर दे, आप कभी भी ये मत कहना भाई, कभी भी ये स्पैम मत करना, ये वेटर किल है, वरना आपका भी यही वाला हाल होने वाला है जो मेरे पार्टनर का हाल हुआ है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जाने कि अगर आप गेम में इम्पोस्टर हो तो भाई किसी से फालतू पंगा मत लो, किसी को मतलब मत बोलना, वरना वो तुमको मार देगा। तो यहाँ पे चलते हैं अब किसी का रोल ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। और ग्रीन ने जहाँ पे स्क्विड डैश फेंका है, इसका मतलब ग्रीन अपना बैक स्टैबर हो सकता है, क्योंकि ऐसे कारनामे सिर्फ बैक स्टैबर ही कर सकता है, उसका गिमिक स्क्विड डैश है। चलो भाई जल्दी से चलते हैं। और इसको मार दिया मैंने, और भाई इसको मतलब येलो को मैंने पॉइंट एक सेकंड पहले मार दिया है। और अभी पर्पल को तो पहले लॉबी में भेजते हैं। पर्पल भाई मेरे पार्टनर पे स्वैप मारेगा तू, ले भाई खा भाई तू पर्पल। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? चलो भाई इसके साथ ही पर्पल को निकाल दिया है। और पर्पल बोल रहा था सायान को वोट करो, तो मैंने भी सायान को कर दिया। देखते हैं सायान पे कितनी वोट जाती है, क्या पता सायान मीटिंग से बाहर ही हो जाए। लेकिन नहीं भाई, सायान बच चुका है, सायान को सिर्फ 2 वोट गई है और 2 वोट स्किप में चली गई, जिसकी वजह से यह मीटिंग भी स्किप हो चुका है। अभी सबके रोल ऑब्जर्व करने हैं, देखना है मेरे को कौन कौन गेम में जिंदा है। तो यहाँ पे रेड जो है, रेड क्या आप एक और रेड यहाँ पे चिपक चुका है, रेड ग्रीन से चिपक चुका है, यानी कि हनी भी बैक स्टैबर से जाके चिपक गई है। अभी मेरे को सायान और पिंक इन दोनों का रोल पता करना होगा, और ग्रीन ने मेरे पे फिर से ये फेंका। देखो भाई ग्रीन पूरे बैक स्टैबर वाले काम कर रहा है, और सायान मेरे पीछे क्यों आ रहा है भाई? सायान भाई तू सिर भी रह क्या? चलो भाई सायान फिक्स करने गया है। सबसे पहले तो सायान को यहाँ पे टाटा बाय बाय कर देते हैं, उसके बाद मैं न्यूट्रल्स को कहूँगा भाई बैक स्टैब करके जीत जाओ, अगर न्यूट्रल मेरा साथ नहीं देंगे उसके बाद तो तुमको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ। तो पिंक यहाँ पे मेरे पीछे आ रहा है, पिंक भाई तू जितना मर्जी पीछे आला तू मेरे को नहीं पकड़ पाएगा। तो पिंक ने मेरे को यहाँ पे पकड़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन पिंक मेरे को नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में अब पिंक का भी मोए मोए होने वाला है। चलो भाई ग्रीन ने बॉडी रिपोर्ट कर दिया, मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। चलो भाई ग्रीन भाई ने, मैंने इन दोनों को बहुत बोला ग्रीन और रेड को, स्किप कर दो और मेरे साथ जीत जाओ, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। तो भाई मैंने भी इनको लुढ़का दिया, लो भाई मरो फिर हारो स्पेस क्रू के साथ। अच्छे बनने का ज़्यादा शौक था इन दोनों को, तो दोनों को ही मैंने यहाँ पे टपका दिया है। सिस्टम पार देंगे
और इसी के साथ हम ये मैच जीत चुके हैं और मेरे को मिल चुका है MVP। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मैच में। नेक्स्ट मैच में भी, अरे ये देखो, मैं FC भाई और ये माही भाई, दो दो भाई मिल गए। ले भाई, जब भाई प्लस भाई का कॉम्बिनेशन होगा फिर तो भाई खतरनाक गेम प्ले होगा। चलो भाई जल्दी से चलते हैं, मैं तो भाई खुले में किल कर दूंगा, जो मेरे सामने आएगा उसको ही मैं मार दूंगा। तो ले भाई, आ रहे भाई थे क्या इसका नाम। चलो भाई इसको टपका दिया, जो भी थे ये। अभी जल्दी से बॉडी से दूर जाके फेक टास्क करने का एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर गेम में स्काउट वगैरह हुआ या फिर कोई और रोल हुआ, जैसे कि जो ऑब्जर्व कर लेता है बंदों को, तो वो मार देगा। और मेरा किल बटन ब्लिंक हुआ है, इसका मतलब मेरे टीममेट ने भी एक बंदे को टपका दिया है। चलो भाई देखते हैं, बॉडी के ऊपर ब्लू नाच रहा है। ब्लू है ना, हाँ बॉडी के ऊपर ब्लू नाच रहा था। और ब्लू मतलब कि सब बेटर किल तो घोषित करने वाले, क्योंकि गेम में बेटर भी आया, लेकिन ब्लू को माफ़ कर दिया गया है ये कह के कि भाई ब्लू ने बोल दिया कि वो वाइट जैक है, इसलिए हमने मीटिंग को स्किप करवा दिया है। अभी जल्दी से चलते हैं, सबोटास देंगे और एक आधा किल और निकालने का कोशिश करेंगे, और मेरा टीममेट किल कर दे एक आधा, और फिर तो ज़्यादा ही मज़ा आ दे। तो यहाँ पे लाइट बुझा दी है, मैं तो दे रहा था O2 का सबोटास, लेकिन मेरे पार्टनर ने लाइट वाला सबोटास दे दिया। जब मेरा किल बटन चार्ज हो जाएगा तो चलेंगे भाई किसी बंदे को किल करने। और यहाँ पे कोई भी बंदा इलेक्ट्रिकल फिक्स करने नहीं आया अभी तक, भाई ये तो बहुत बुरी बात है, कितने गंदे लोग हैं। और मेरे टीममेट ने भाई किल करके मीटिंग भी बुला दिया। अभी मैंने भी अपने टीममेट को ही वोट किया क्योंकि मेरा टीममेट पकड़ा गया, लेकिन स्वैपर ने भाई क्या ही, तो स्वैपर ने वाइट जैक पे स्वैप मार दिया, और क्या चाहिए। वाइट जैक भी मर गया, हमारे रस्ते का एक कांटा भी मतलब मर चुका है, और स्वैपर का भी मोए मोए कर देंगे नेक्स्ट मीटिंग में। मेरे को पता तो चल चुका है स्वैपर है कौन। चलो भाई स्वैपर को भी उड़ा देंगे नेक्स्ट मीटिंग में। अभी O2 का सबोटास देंगे, क्योंकि अभी सबोटास मैंने दिया है, मेरे टीममेट ने नहीं। चलो भाई जल्दी से चलते हैं, एक किल मैं कर दूं और एक किल मेरा टीममेट कर दे, उसके बाद तो गेम हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। और अगर फिर भी हम गेम नहीं जीत पाए तो मैं भाई गैस ले लूँगा उसको, स्वैपर को। और यहाँ पे भाई ये बंदा मरा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, फाइनली गाइस मर गया। अगर ये नहीं मरता तो गेम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता मेरे को। तो चलो भाई स्वैपर को भी छुट्टी दे देते हैं इस गेम से, और उसके साथ साथ ही हम ये मैच भी जीत जाएंगे। वोट पिंक, अच्छा पिंक को निकालो भाई, मेरे को निकलवाएगा तो मतलब मेरे पार्टनर को निकलवाएगा। ले भाई तू लॉबी में जा। और इसी के साथ ये मैच भी हम जीत चुके हैं भाई। मैं तो ब्लैक जैक के साथ दिन ब दिन प्रो होता जा रहा हूँ। आई होप गेम प्ले अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी खतरनाक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।